अब देखिए दिल्ली में चुनाव है और ये कल वोट डाला जाएगा और जिसमें कि 4 सीट पे हमारा कांग्रेस से गठबंधन है तो 70 सीट पे 4 सीट पे आरजेडी जो है चुनाव लड़ रही है। उसमें नीतीश कुमार जी ने बजट के बाद बीजेपी के लोगों को प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहा कि बहुत बढ़िया बजट उन्होंने पेश किया। हम जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री धन्यवाद किसने कर रहे थे? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया बजट में? क्या बिहार को विशेष पैकेज दे दिया गया बजट में? क्या बाढ़ राहत को लेकर के मदद दी गई? कोई भी एक ऐसा कारखाना या शुगर मिल खोलने की बात की गई? लोगों की रोजगार की बात की गई? तो कहीं भी किसी भी तरीके से बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया? और बिहार के मुख्यमंत्री जो है बजट को लेकर के केंद्र सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं कि बहुत अच्छा बजट पेश किया गया। अब तो मुख्यमंत्री ही बताए कि बिहार को इस बजट में क्या मिला। दूसरी बात उन्होंने वो कहा कि इन्होंने बस रवाना किया था जो कि दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। तो हम मुख्यमंत्री जी से इतना ही पूछना चाहते हैं, 15 साल आप मुख्यमंत्री रहे बिहार के, आप पलायन रोक करके कहे थे पलायन रोकोगे जब आप सत्ता में आओगे, तो आपके आने से पलायन इतना बढ़ गया कि आपको बस सेवाएं चालू करनी पड़ी। आखिर किस मुंह से बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वहां के पूर्वांचलियों भाइयों से वोट मांगने का काम कर रहे हैं? आज अगर घर छोड़ कर के जाना पड़ रहा है रोजी रोटी से, आज अभी हमारे फ्लाइट में कई 500 लोग विदेशों से काम करके लौट रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर हमको रोजी रोटी बिहार में ही मिल जाए तो हम बिहार में करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बिहार से आप देखिएगा लगातार 2005 के बाद से जो आंकड़ा है पलायन का वो हद से पार हुआ है। ये बस क्यों चलाने की ज़रूरत पड़ गई नीतीश जी? आपके यहाँ तो सुशासन था, विकास था, रोजी रोटी मिल रही थी, तो किस मुँह से वो गए थे वोट मांगने, ये सवाल हमने पूछा।